आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे शून्य काल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में ड्रग माफिया जो कि चरस, गांजा, अफीम, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स की वजह से अभी कुछ ही दिन पहले माननीय दो लोगों की हत्या हुई, उसमें एक 19 साल की बच्ची थी और एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था। माननीय, आजकल ये ड्रग माफिया छोटे छोटे शहरों को अपना टारगेट बना रहे हैं और पुलिस की भी इसमें मिली भगत है। कुछ पुलिस वालों की शंका के आधार पर इनको दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे अपहरण की भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी एक बच्ची को उज्जैन से बरामद किया गया और कुछ बच्चों का अभी भी कुछ पता नहीं है। मानिए, आज की स्थिति ये है कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और उनके माँ बाप भी स्कूल भेजने से डर रहे हैं। वहाँ पर अवैध तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है। माननीय पुलिस प्रशासन सिर्फ जो है, वहाँ सत्ता पक्ष जो आया है अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, सिर्फ उनके काम कर रही है, अवैध उत्खनन में लिप्त है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से।